हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। मोदी सरकार ने जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया है, तभी से देश में कश्मीर का मुद्दा गरमाया हुआ है। आपको याद दिला दें कि करीब 30 साल पहले वो काला अध्याय जो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ गया, 19 जनवरी 1990, वो तारीख जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को अपना घर द्वार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक बार फिर कश्मीरी पंडित सब कुछ भूल कर कहने लगे थे कि हम वापस आएंगे। उनके मन में एक बार फिर उम्मीद की किरण जाग रही थी। चूंकि भारतीय सिनेमा लोगों पर अपना एक अलग ही छाप छोड़ती है, जैसा कि सभी जानते हैं, कश्मीरी पंडितों के पलायन और उस भयावह घटना के इर्द गिर्द बुनी गई फिल्म शिकारा काफी वक्त से चर्चाओं में बनी हुई थी। लोगों को जब इस बारे में पता चला कि ऐसी कोई फिल्म आई है, फिल्म के डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा ने कश्मीरी पंडितों के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है, तो लोग बहुत ही आस के साथ फिल्म देखने थिएटर्स पहुंचे। उन्होंने फिल्म देखी, फिल्म की स्टारकास्ट भी वहां मौजूद दिखाई दी। तभी हॉल से एक चीख सुनाई दी। वो चीख थी कश्मीरी पंडित महिला की, जिसने एक सुर में फिल्म के डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा पर अपना गुस्सा निकाला। चलिए बताते हैं आपको कि उस महिला का क्या कहना था, क्यों फिल्म देखते ही उस महिला का गुस्सा यूं फूट पड़ा। उस महिला की रोती हुई चीख कह रही थी, तो देखा आपने, उस महिला का आरोप है कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के संघर्ष को सही तरह से नहीं दिखाया गया है। हालांकि डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा लोगों के सामने अपनी फिल्म का बचाव करते ही नजर आए। उन्होंने कहा कि तो इसलिए अपना अपना नजरिया है। आप जैसे कोई पानी पीता है या दूध और या चाय पीता है, तो किसी को चाय का नशा ज्यादा आता है, किसी को दूध का नशा ज्यादा आता है। उसे चाय पे चाय चाय रहती है। आप देख लीजिए उसको कैसे। आप तो अभी मैं तालिया से कहूंगा कि एक फॉर्म और जो फिल्म में है जो साथ चलना पड़ता है वो आप। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग की ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। वीडियो में महिला विदु विनोद चोपड़ा के सामने फिल्म का विरोध कर रही है। कश्मीरी पंडित महिला की बात सुनने के बाद विदु विनोद चोपड़ा ने दर्शकों से तालियां बजवाई और फिल्म के सीक्वल लाने की बात की। थिएटर से वीडियो के वायरल होते ही ट्विटर पर कई तरह के रिएक्शंस आने लग गए। बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा की असंवेदनशीलता को देखा जा सकता है। जब दिव्या राजदान नाम की महिला रो रही थी और डायरेक्टर चोपड़ा लोगों से ताली बजवा रहे थे। मिस्टर चोपड़ा, कृपया एक विक्टिम का इस तरह मजाक मत बनाइए। आपकी टीम की तरह दिव्या ने चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत नहीं बेची है। बता दें कि अशोक पंडित की तरह कई लोगों का गुस्सा ट्विटर पर देखा जा सकता है। इन्हीं सब बातों के चलते सोशल मीडिया पर बॉयकॉट शिकारा ट्रेंड कर रहा है। अब बात कर ले इस फिल्म की, तो बीते दिन रिलीज हुई फिल्म शिकारा में आदिल खान कश्मीरी पंडित शिव कुमार धर के किरदार में है, वही सादिया शांति सप्रू के रोल में दिखाई दी है। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब फिल्म पर कोई विवाद हुआ हो। फिल्म की रिलीज से पहले भी इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि इस फिल्म में 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए पूरी कश्मीरी आबादी को दोषी ठहराया गया है। Because their souls are from God. We have the soul of God. And it's not which God, God. And we say it in different ma, mother, amma, different names, but same creator. And that's all I can say. Thank you. To further what he said, let me tell you that there was a time, and not many, I'm sure my son doesn't know this, that there was a time that I was in Khandala and I was about to kill myself. Because I was so disillusioned with the world.
And so all of us go through a crisis of sorts. But the important thing is that we have a function to serve. For me, मुझे आज इतना सुकून है और इतनी खुशी है कि ये फिल्म इतने साल मेहनत करके बन गई और ये हिंदुस्तान के लोग देखेंगे और मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ खुशी आएगी. और ख़ासकर वो 4 लाख पंडित जो हैं जो इस फिल्म में हैं, मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क होगा. Can I add something? Yes. When I watched the film, I was, okay, I've got to watch this movie. I'll firm up. And when I watched it, I felt like his intentions were very, very pure. Even all the stuff, bad things which happened, he showed us in a shadow. I don't want to reveal, but that was brilliant. That was genius. And then I understood his intention was, like you have that famous quote. You want to say that? Which one? Jodna. Yes, you say it. You know, say it. My Hindi is bad. No, you say it. See the what he's saying, and I don't mind revealing it. लोग तो देखने ही वाले हैं फिल्म को. कि जितने इसमें सो कॉल्ड मिलिटेंट्स हैं, सब फेसलेस हैं, शेडोज हैं. मेरा कैमरामैन रंगा यहाँ कहीं बैठा हुआ है, उसकी पहली फिल्म है. मेरा को एडिटर शेखर, वो पहली फिल्म है उसकी, शेखर की. ये जितना क्रू है इनकी पहली फिल्म है. और ये पहली फिल्म सिर्फ इसलिए हो सकती है क्योंकि इनमें जो प्योरिटी थी वो मुझे कहीं नहीं मिली. एंड आई वॉन्टेड फेसलेस वायलेंस. ऑन फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग रंगा डिडंट नो इट वाज दे इट किल्ड देम ऑल. इफ़ यू सी द फिल्म, there is not a single face that you will see throwing a stone. It's all shadows, and I've really worked very hard to convey their shadows, and I'm so happy that he mentioned. And the basic idea of the film, wo ek lakeer hai jo aap film mein dekh payenge, wo kehta ke ek lakeer hai to dheere se thodi si wo jo main character Shiv Kumar Thar bachchon ko padha raha hai, wo kehta hai ye do lakeerein dekho, paper pencil mil sakta hai kya, kisi ke paas hai नहीं है. iPad तो आप फिल्म में देख लीजिएगा. पर उसका आइडिया ये है कि वो कहता है कि आप तोड़ो नहीं जोड़ो. द आइडिया ऑफ द फिल्म इज दैट. ओके सो आई एम जस्ट लुकिंग अप दिस हैंड. विदु सर, फैजान दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ हेल्पलाइन हियर. यप, आई सॉ यू. यस, किसको? यप, ये है. मैं एक आप इसके सर यहां भी. यप विदु सर, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आपने कहा कि ये फिल्म आपकी माँ के लिए है, तो पर्सनली ये जर्नी कितनी इमोशनल थी आपके लिए शिकारा की? देखिए, ये मेरी माँ के लिए, इनकी माँ के लिए, आपकी माँ के लिए, सारे हिंदुस्तान की माँ के लिए. पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ये मेरी पर्सनल कहानी है. लेकिन जैसा रहमान ने कहा, जब इसने पहले फिल्म देखी और मैं बैठा मेरे एडिटिंग रूम में और बोला कि यार मैं कैसे करूँ, मैं नहीं, मैंने कहा यार तू देख ले फिर मत करना. तो फिल्म देखने के बाद वो जो पहला रहमान था वो नहीं था. तो इनको भी फिल्म ने छुआ तो ही इन्होंने इतना काम किया. अभी ये उठ, कल इनका जन्मदिन था और सब ने कहा कि ये लेट आता है. सबसे पहले ये आज आया हुआ था, मैं इसके बाद आया हूँ, मुझे इतनी शर्म है, ये सबसे लेट आया. तो मेरा पॉइंट क्या है कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि इनको उस फिल्म में वो चीज़ महसूस हुई है जो हमको महसूस हुई. तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए फिल्म है. मैं चाहूँगा कि सारा हिंदुस्तान इस फिल्म को देखे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए इस वक्त ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है. अभी तो वी गोना टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द लेडी देयर. जैसा कि आपने कहा कि ये हिंदुस्तान के लिए फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि इस माहौल में हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी ये फिल्म ज़रूर देखे. शिकारा जो है कश्मीर की कहानी बताता है और जिस तरह से एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है, लगातार यंगस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्ले कार्ड्स प्ले कर दिखाए जा रहे हैं जिसमें फ्री कश्मीर लिखा है और ढेर सारी चीज़ें हैं, हेट्रेड की भावना है. इस पर आपका क्या टेक है सर, कश्मीर को लेकर जो लोगों की सोच है उस पर? देखिए, मैं आपको फिर एक बात कहूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिए. मैं समझता हूँ कि आपकी सोच में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा. मैं आपको फ्री टिकट भेज दूंगा, क्योंकि मैं रियली चाहता हूं कि लोग ये फिल्म देखें. ये मैंने बहुत फिल्में बनाई हैं. मैंने जब लगे रो मुन्ना भाई बनाई थी, उस वक्त मुझे लगता था कि लोग ये फिल्म देखें, क्योंकि महात्मा गांधी, और आज भी वो आज उसको याद करते. मैं उसी भावना से चाहता हूँ कि लोग ये फिल्म देखें, और आप ज़रूर देखें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा. लेकिन आप ये ले कर चलिए कि अगर हम इस पोजिशन में हैं और ये भाई साहब 1-2 महीने ऐसे लगे रहते हैं, अब मैं बताना नहीं चाहता हूं कि मेरे से कुछ लिया भी नहीं है इसने, तो ये कोई जोक नहीं है.
ये मजाक नहीं है कि ये आ रहमान उठ के यहाँ आया हुआ है चेन्नई से उठ के 3:30 बजे रात की फ्लाइट लेके बर्थडे के दिन। तो ये सिर्फ फिल्म है ऐसी कि ये फिल्म सबको कशिश है, इस फिल्म खींचती है, आप जरूर देखिए।